क्या इस चीज की अपने को कनाडा के अंदर जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी, इन तरह की चीजें बताऊंगा। किंतु परंतु बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप इसके बेस पे ही जज कर सकते हो, इस वीडियो के बेस पे जज कर सकते हो कि ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए हम लोगों को इंडिया से लेके आनी। वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, डोंट मिस आउट ऑन एनी सिंगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सबसे पहला डोंट है जो आपने नहीं बाय करना है इंडिया से, वो है आपका विंटर स्टफ। आप बोलोगे कि बेसिक कुछ ना कुछ तो चाहिए क्योंकि सर्दियों के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों एक विंड शीटर इनफ है, लेकिन अगर आप एक विंड शीटर अच्छी लेके आते हो, एक नॉर्मल सस्ती विंड शीटर जो है, जरूरी भी नहीं है कि ब्रांड की लेनी है, अगर आप एक सस्ती नॉर्मल विंड शीटर लेके आते हो तो उसको आप लेयरिंग करके डाल सकते हो और आप पहली बार शॉपिंग करने उसके साथ जा सकते हो। और एक बार आपने पहली बार शॉपिंग कर ली, उसके बाद यू लिटरली डोंट नीड टू वियर ऑल दैट स्टफ जो आप लाए हो इंडिया से। हाँ, एक विंड शीटर का दो आपको बेनिफिट हो जाएंगे। नंबर वन, आप पहली बार शॉपिंग करने जा सकते हो लेयरिंग करके नीचे स्वेटर वेटर डाल के। दूसरी बात, जब दोबारा फॉल वगैरह आएगी तब वो आपके दोबारा से काम आ जाएगी। फॉल मतलब फॉल समझते ही हो आप, जो सितंबर अक्टूबर वाला वेदर होता है उसके अंदर हवा चलनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है, किंतु परंतु इतनी ठंड नहीं होती, तो उस टाइम पे वो अच्छी विंड शीटर आपके काम आएगी। विंड शीटर अच्छी कोई भी हो सकती है, ऐसे कोई भी डाउन जैकेट हो गई ना, जो बेसिकली पतली होती है पर वो अच्छे से आपको शीट करती है विंड से, दैट्स इट, वो उसका इतना ही रोल होता है, इससे रोल नहीं होता। विंटर शूज़ भी आपको यहीं से लेने हैं, स्नो शूज़ इंडिया से मत लेके आना। दो विंटर शूज़ आर नॉट मेंट फॉर कैनेडियन विंटर्स। मुझे याद है मैं एक अच्छे खासे थिक शूज़ लेके आया था यहाँ पे, ठंड से उसने मेरे को बिल्कुल भी शीट नहीं किया। हाँ इतना ज़रूर है कि चलो हाँ एक थिक अच्छे टफ एंड टफ शूज़ थे, किंतु परंतु जब ठंड लगती थी ना तो उसके अंदर बड़ी जल्दी ठंड घुसती थी, मतलब मैं शूज़ में लिटरली मेरे पैरों को वो ठंडा कर देती थी, वो शूज़ जो है ठंडा कर देते थे, इतना मतलब रहा है। तो आप खुद हिसाब लगा लो, शूज़ का मेरे को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। थर्मल्स की आपके पास ऑप्शन है, थर्मल आप इंडिया से भी लेके आ सकते हो, थर्मल आप यहाँ से भी ले सकते हो। एक दो जोड़ी ले आना थर्मल की, और थर्मल से आपको बता दूं लिटरली जो आपको वो होते हैं ना पजामियाँ होती हैं थर्मल, वो आप ला सकते हो। ऊपर वाले थर्मल मत ले गया ना, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी, लिटरली मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सिस्टम चलते हैं, या तो एक तरह बिल्कुल आप बाहर घूम रहे पूरे कोल्ड के अंदर, या फिर आप किसी अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर हो, अपने घर के अंदर, अपने अपार्टमेंट के अंदर, या फिर ऑफिस के अंदर, या फिर आप कॉलेज के अंदर, उन जगहों पे सारा क्या होता है, हीटेड एटमॉस्फेयर होता है। हीटेड एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप थर्मल डाल के उसके ऊपर जैकेट डाल के रखोगे, आप जैकेट उतार भी दोगे तो भी आपको गर्मी लगती रहेगी, किंतु परंतु यहाँ पे जो अच्छी बड़ी अच्छी विंटर जैकेट्स होती है ना, ये टी शर्ट इसके ऊपर से वो विंटर जैकेट बस। जब कहीं ऐसी जगह पे गए जैसे बस के अंदर गए, बस के अंदर हीट है, विंटर जैकेट की जिप खोली, उसको खोला, यू विल फील बेटर। और जब दोबारा बाहर आए, जिप अप की, यू आर गुड। ये सिस्टम यहाँ पे चलता है, तो इसलिए ऐसा कुछ विंटर का। और ये दोस्तों ये पता चीज़ें अगर हमें पहले से लग जाएं तो मुझे लगता है हम अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं, जो कि हम फालतू शॉपिंग करते हैं जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी दोस्तों बात करूँगा किचन के स्टफ़ की। ये मुझे लगता है कि कई लोग बहुत 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 बड़ी गलती करते हैं। देखो किचन का स्टफ़ आपने बिल्कुल भी कोशिश करनी है इंडिया से नहीं लेके आना, एक्सेप्ट प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का ऐसी चीज़ है कि अगर आप इंडिया से ले आओ तो आपको बहुत सस्ता है मिल सकता है, या फिर अगर आपके घर वालों के पास स्पेयर पड़ा है तो ले आओ, किंतु परंतु आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन पर्टिकुलर इंडिया से चीज़ें लेके आने की। मैं तो ये बोलूँगा वो इंडिया वाला प्रेशर कुकर भी कोशिश करो मत लेके आओ, यहाँ से आओ और बिना रबड़ वाला प्रेशर कुकर लो। इसके अंदर रबड़ नहीं होती ना, वो दूसरी तरह से लॉक होता है, नॉर्मल इंडिया वाला होता है, वो आपको रिप्लेस करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो वो जो रबड़ आपको रिप्लेस करनी पड़ती है ना, वो मिलती नहीं है यहाँ पे, आपको पर्टिकुलर इंडियन स्टोर में जाना पड़ेगा, और पर्टिकुलर इंडियन स्टोर में भी उसमें जाना पड़ेगा जिसमें आपको वो रबड़ मिल जाए अपने कुकर की, वहाँ पे कुकर का ढक्कन साथ लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा भाई इस कुकर के ढक्कन के लिए चाहिए रबड़ दे दो, तो वो ये ढक्कन ले लेके घूमने से अच्छा है कि आप आके वो कुकर लो जिसके ऊपर मतलब वो रबड़ का सिस्टम होता ही नहीं है। दोस्तों एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगा जो आपने इंडिया से नहीं लेके आनी, वो होती है छुटपुट ग्रॉसरी। आपने नोटिस किया है हमारी मम्मी आने से पहले मोस्टली करती है, बेटा ये मैगी के पैकेट ले जा, वहाँ जाते क्या खाएगा, ये ले जा क्या करे। दोस्तों सब सेटिंग हो जाती होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, उससे अपना वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा ये है कि कुछ ज़रूरत की जो और चीज़ें हैं वो लेके आओ, इंस्टेड ऑफ कि आप इन चीज़ों पे अपना वेट वेस्ट करो अपनी ग्रॉसरी लेके आने पे। मैं तो भुजिया के पैकेट तक साथ लेके आया था, देखो मना नहीं कर सकते थे उस टाइम, मम्मी ने बोला ले जाते सर क्या लेगा, जाते सर क्या खाएगा, जाते जाते हुए तो मतलब जाते ही थोड़ी ना तो मतलब चला जाएगा ग्रॉसरी लेने, ऐसा नहीं होता है। ग्रॉसरी स्टोर बिल्कुल जहाँ आप रहते हो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, आप इजीली थोड़ी बहुत ग्रॉसरी तो उसी टाइम उठा के ला सकते हो। वो मतलब लगता है इंडिया में कि एकदम से क्या करेंगे, पर आपने चाहे क्या कैदी थोड़ी बनना है, मतलब यू हैव इनफ टाइम टू रोम अराउंड। और हाँ दोस्तों एक और बड़ी तगड़ी मिथ चलती है कि हल्दी लाल मिर्च
मसाले मसूले इंडिया से। दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है हल्दी लाल मिर्च मसाले मसूले ले जाने की, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ की अगर आप ये कुकिंग मसाले वगैरह की बात करूँ, बहुत कुकिंग खुद से भी करता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि उनकी क्वालिटी बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन जो कि इंडिया में मिलते हैं और ऑलमोस्ट सेम ब्रांड के होते हैं समटाइम। मतलब ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मैं गलत हूँ, सो डोंट कॉट मी एनी ब्रांड ऑन दैट। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि आप लोगों की क्वालिटी एक जगह पे ऐसी कैसी, एक जगह पे कैसी, पता नहीं, मुझे खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब्जियाँ ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं यहाँ वाले मसालों से एज़ कम्पेयर टू इंडिया वाले, जो कि अच्छी बात है ऑल इन ऑल, क्योंकि आपने तो यहाँ पर रहना, आपने कौन सा इंडिया में रहना है एनी मोर। हाँ, पर अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जो बहुत रिमोट है, जहाँ से इंडियन स्टोर बहुत दूर है, तो आप थोड़े बहुत हल्के मुल्के मसाले लेके आ सकते हो। पर नमक प्लीज़ ऐसी मत, ऐसी चीज़ें मत, काले नमक वगैरह ये मत लेके आना। हिमालयन सॉल्ट मिलता है बड़ा अच्छा डॉलर स्टोर से, $2 का, क्या चाहिए अगर आपको, आराम से उसको ग्राइंड करो और डालो, एकदम रॉ फॉर्म में मिलता है, आपने उसी टाइम क्रश करके उसी टाइम डालना होता है। मैं तो ब्लैक पेपर भी वही वाला यूज़ करता हूँ जो क्रश करके राइट अवे डालना होता है, विच इज़ रियली गुड। सब्जियाँ इतनी मज़ेदार बनती है उसके साथ, ब्लैक पेपर तो खैर इश्क वाली चीज़ है, वो तो मेरे साथ विभोर भैया रहते थे तो ही यूज़ टू पुट ब्लैक पेपर ऑन एवरी सिंगल थिंग, वहाँ से मुझे भी याद पड़ेगी कि बस हर चीज़ पे ब्लैक पेपर। जहाँ तक बात करूँ ना टी शर्टें वगैरह की, टी शर्टें अगर आपने इंडिया से लानी है आप ला सकते हो, मैं बोलूँगा टी शर्ट वगैरह जो होती है ना नॉर्मल, वो अगर आपने इंडिया से लानी है वो ला सकते हो, वो आपकी चल जाती है, क्योंकि वो आपने घर पे डालनी होती है, ऐसे डाला घूमने होते हैं। मैं शॉर्ट्स इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ना, जो शॉर्ट्स डाल के सबसे कंफर्टेबल शॉर्ट्स कैनेडा में आने के बाद मेरे को यही फील हुए हैं, और ये शॉर्ट्स मैं इंडिया से लेके आया था, मतलब क्या 400-500 रुपये का ऐसा था, और अच्छा मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स अगर आपने लेने हैं ना ऐसे तो बहुत महंगे। तो अगर आप ये जो घर पे घूमने वाले कैजुअल वेयर्स होते हैं ये इंडिया से लेके आओगे, ये आपको पक्का बेनिफिट देके जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ़ोन को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो आपके पास इंडिया वाला फ़ोन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो आपके पास इंडिया वाला फ़ोन है वो लेके आ जाओ। सैमसंग का छोटा फ़ोन है, एप्पल का कोई पुराना आईफोन है, किसी और पोको शोको आपका ओप्पो ऐसा कोई ब्रांड है, कुछ भी है लेके आ जाओ। हर फ़ोन नहीं चलता यहाँ पे आके, सच है, कोई बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं शायद ऐसे जिनके सिक्योरिटी पैच वगैरह वर्क नहीं कर रहे होते कैरियर के साथ, इसलिए उस कैरियर की सिम जो है वो आपके फ़ोन के अंदर नहीं चलेगी। परंतु इनिशियली आपको ऐसा कैरियर मिल जाएगा जो मतलब आपके फ़ोन को सपोर्ट करता होगा जिसका कनेक्शन, तो मैं बोलूँगा कि फ़ोन जो है यहाँ पे आके आप लेना। और फ़ोन लेने की भी एक टेक्निक है, आपने वो फ़ोन लेना है जो 1 साल पुराना हो। आप लोग बोलोगे क्यों, हम क्यों ले एक ही बार में टॉप नॉच ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर। दोस्तों पता क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस ना, मैं यहाँ पे आके 2 फ़ोन बदल चुका हूँ, दोनों मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, जैसे नॉर्मली आके कोई भी स्टूडेंट लेता है, मैंने भी वैसे ही फ़ोन लिए थे। तो मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों यही बोलता है कि अगर आप ऐसा फ़ोन लेते हो जो 1 साल पुराना होता है, मतलब 1 साल पुराना इन द सेंस जो 1 साल पहले लॉन्च हुआ होता है, पुराना फ़ोन है, फ़ोन नया ही लेना है किंतु परंतु वो लॉन्च 1 साल पहले हुआ होता है, दोस्तों वो फ़ोन हमेशा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है और फीचर्स भी उसमें सारे होते हैं। 1 साल में आईफोन में क्या बदल जाता है, पता कुछ नहीं बदलता, मुझे नहीं लगता 1 साल में आईफोन में कुछ बदलता है, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्टली फ़ोन सेम ही होता है, माइनर अपग्रेड्स होती हैं जो कि बहुत ही, अगर प्रो काम आपने करना है तो आपके काम आते हैं, अभी सिनेमेटिक मोड ऐड कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, किंतु परंतु मुझे लगता है कि मोस्टली फीचर्स वाइज एक यूजर इंटरफेस वाइज एक आईफोन अगले 4-5 साल के लिए गुड होता है, वेरी गुड होता है। तो उस चीज उतार रहा हूं, एक पुराना वर्जन लोगे तो आपको बड़ा सस्ता मिलेगा, जैसे मान लो कि जितने का आपने डाटा लेना है, डाटा के साथ कनेक्शन लेना है, डाटा यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, शायद आपको पता होगा इतना, जितना आपने डाटा या डेटा जो भी उसको बोलते हैं उसके साथ आपने एक कनेक्शन लेना है, उतने पैसे के अंदर ही आप लिटरली फ़ोन भी साथ में ले सकते हो। मतलब नॉर्मल फ़ोन बिल जो आपका नॉर्मल फ़ोन बिल है, उतने पैसे के अंदर ही आप एक साल पुराना लॉन्च हुआ फ़ोन भी मिल आपको मिल जाता है, $5-6 या ज़्यादा देके ऐसा कुछ। दोस्तों वो एक बहुत अच्छी आपके लिए डील रहती है। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।